मिला जो तू यहाँ मुझे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के अगर टैप कीजिए 900 लगा सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के अगर टैप कीजिए ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा। जिस भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं ये वाली ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देने आइकन पर टैप करके प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम चले जाइएगा। फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद जो भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली आपको यहाँ पर ले लेना है। तो चलिए पिंस फाइल में मेरे पास कुछ इमेज है तो यहीं से मैं कोई सा भी इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं तब तक के लिए यहाँ पे कोई अच्छा सा एक्ट हो इमेज HD क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी में पिक्चर यहाँ पर ले लीजिएगा जिस पर आप अच्छे से एडिटिंग कर सकें। तो मैं देख लेता हूँ तब तक के लिए कोई सा भी इमेज। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल कंप्रेशन एरिया कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मूव इट ऑप्शन में जाकर जूम वाले ऑप्शन पर जाकर हल्का सा और जूम करके एडजस्ट कर लीजिए। आप कितना पे रखना चाहते हो उतना इधर से कर लीजिएगा। फिर स्क्रीन पर टैप कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने बाद एक्यूरेट एंगल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया कर लीजिएगा। फिल कंप्रेशन एरिया यहाँ पे कर लेना है तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। कलर एंड फिल पे जाइएगा, ड्यूल कलर को सेलेक्ट कीजिएगा। एक पॉइंटर को नीचे कर लीजिएगा, दूसरे पॉइंटर को ऊपर कर लीजिए। दूसरा पॉइंटर जो ऊपर है उसके कलर जो यहाँ पे देखते हैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा। फिर नीचे वाले कलर को सेलेक्ट कीजिएगा, या पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने बाद यहाँ पे आपको जो भी कलर रखना है वो कलर पर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे गर्ल का जो ड्रेस का कलर है ये कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ इसी तरह से कर सकते हैं, या बैकग्राउंड का कलर भी आप रख सकते हैं इस तरह से। जो भी कलर आप रखना चाहे रखिएगा। ये प्लस का जो आइकन देख रहे हैं इस पर टैप कीजिएगा, नीचे में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से कलर यहाँ पे मैच हो गया, देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। अब स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, टैप करने बाद ये वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, लास्ट में चले जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाले ऑप्शन टैप कीजिए, लास्ट तक दोनों आ गया। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आने के बाद आपको एक तो फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप सेलेक्ट करना है। शेप सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडिट शेप में चले जाइएगा। यहाँ पे एक्स वाई देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक्स को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 295 तक कर दीजिएगा प्लस में। तो इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 295 परफेक्टली यहाँ पे रख लेंगे, ये रहा ठीक है। अब यहाँ पे साइज़ का जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा और आपको कम कर देना है। तो मैं यहाँ पर कम करके इसे वाई को ठीक है यहाँ पर 71 मैंने रखा था, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 71 ये रहा ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से बैक आइएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, हल्का से इसे जूम कर लीजिएगा इस तरह से। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से बैक आइए, कलर एंड फिल में जाइएगा, यहाँ पे ड्यूल कलर को सेलेक्ट कीजिएगा। एक पॉइंटर को इस साइड से यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा सेंटर में बराबर में, और दूसरे को इतना पे रख लीजिएगा इस तरह से जैसे देख सकते हैं। अभी आपको ये करना व्हाइट वाले को सिलेक्ट करना है और इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देना है। तो हल्का सा कम कर देते हैं यहाँ पर, तो मैंने रखा था 80 तो 80 कर देते परफेक्टली यहाँ पे देख सकते 80 मैंने कर दिया। तो यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद इसे भी सिलेक्ट करके आपको लास्ट तक कर लेना। ये वाले ऑप्शन टैप कीजिए, लास्ट तक आ जाएगा। यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देख रहे हैं इस पर टैप कीजिए, लाइटन पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से बैक आइए, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाकर और इसे हल्का सा नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर रख देना है ठीक है, इतना पे रख लीजिएगा इस तरह से। अभी आपको ये स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में आने के फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट अपना टाइप करना है। तो इसे प्ले करके एक बार देख लीजिए फर्स्ट लिरिक्स आपका क्या है। तो फर्स्ट लिरिक्स मेरा है मिला जो तू। तो यहाँ प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे मिला जो तू, मैंने टाइप कर लिया। देन इसे अलाइन करेंगे, रोबोट ग्लो पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रोबोट ग्लो पे क्लिक करने के बाद ये वाला फॉन्ट का लिंक मैंने आपको दे दिया, इसे सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये 18 PT, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसे 24 PT कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे टाइप करके इसका कलर आप व्हाइट भी रख सकते हैं या फिर इसे ब्लैक भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक रख लेता हूँ, नीचे में जो कलर है मेरा ब्लैक से सही लग रहा है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स मूवी ट्रांसफॉर्म में जाएगा और इसे यहाँ पे सेंटर में इस तरह से रख लीजिएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है। रखने के बाद आपको एक बार फिर से प्ले करके और देख लेना फर्स्ट लिरिक्स आपका कहाँ तक जा रहा है। मिला जो तू तो यहाँ तक आ रहा है, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन में टैप कर देंगे। आगे तक आगे थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे ताकि इसमें फेंक देने में हमें आसानी हो। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, मूवी ट्रांसफॉर्म पे जाकर जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे एडजस्ट कर लीजिए। आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं कितना छोटा रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइए, बैक आने इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ स्टार्ट में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, की लगा लेना, फिर लास्ट में जाना, लास्ट से थोड़ा पहले आ जाइएगा, प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे 100 कर दीजिएगा ठीक है। तो ये देख सकते पूरा 100 मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, नीचे
स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे लेयर कंपोनेंट दिख रहा है, कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, ऑफसेट पे क्लिक करना है, ऑफेंस ऑफसेट को यहाँ पे एक्स को कुछ नहीं करना, वाई को सिलेक्ट करके इसे 200 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते ये हो गया 200, परफेक्ट है, यहाँ पे 200 मैंने कर दिया। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एस्केल का ऑप्शन दिखेगा, एस्केल को माइनस में 0.60 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गया। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, अल्फ़ा दिखेगा, अल्फ़ा को पूरा माइनस में कर देना है, 1 यहाँ पे देख सकते हैं 1.00 ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एज इन एज आउट दिखेगा, तो इन को आपको 100 कर देना है, आउट को माइनस 100 कर देना है। अब इसके बाद ओवरलैप दिखेगा, इस पर टैप कर लीजिएगा, टैप करना इसे 300 कर दीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे डिक्रीज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो ये रहा 300, ठीक है, यहाँ पे देख सकते ये हो गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा। अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स लास्ट में एक और इफेक्ट हम देंगे, उसके लिए ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ब्लर में चले जाइएगा, यहाँ पे आपको गेसिंग नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद लास्ट में इतना यहाँ से तो सही है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और छोड़ देते हैं, टेक्स्ट गेसिंग ब्लर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद इसे 0 कर लीजिएगा, और इसके बाद लास्ट में आ जाइएगा, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद 0.030 इसे कर दीजिएगा, मतलब 0.30 आपको कर देना है इसे, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेसिंग नंबर मैंने गलत ले लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्शन क्या बोलते हैं उसे, एड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, ब्लर में चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर जो है इसे हमें सेलेक्ट करना था, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेंगे, और यहाँ डायरेक्शनल ब्लर को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, इसे 0 कर देंगे, फिर इसके लास्ट में जाकर यहाँ पर 0.30 कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने दूसरा वाला ले लिया था, तो इस तरह से यहाँ पर ये चला जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बैक आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो लाइटिक्स का काम हमारा हो गया। अभी आपको सेकेंड लाइटिक्स के लिए क्या करना है, इसी को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना है, फिर इसके लास्ट में आइएगा और ये वाले ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कीजिएगा, सेकेंड लाइटिक्स आपका जो भी होगा उसे प्ले करके पहले सुन लेना है, यहाँ मुझे और ये वाला लाइटिक्स यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे और ये वाले ऑप्शन में टाइप करते हैं जो एक्स्ट्रा कट जाएगा, और यहाँ पे जो लाइटिक्स आपको टाइप करना है तो उसे सिंपली इस वाले ऑप्शन में टाइप कीजिएगा, एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और जो यहाँ पे लिखा है उसे क्लियर कीजिएगा, और यहाँ पे जो आपका लाइटिक्स का वर्ड है उसे टाइप कर दें, तो यहाँ मुझे, ठीक है, सेकेंड लाइटिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से पूरा लाइन कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करने के बाद आपको दो ठो इफेक्ट आपके पिक्चर पे भी देना है, तो फ्रेंड्स पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, या नीचे अदर का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ चैनल रैंप का ऑप्शन आता है इसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, यहाँ पे GGBB दिख रहा है तो यहाँ पे आप जो भी कलर लेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कलर मैंने चेंज किया, फिर इस तरह से आप जो भी कलर रखना चाहे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो जो भी कलर आपको सही लगे उसे रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कलर आप रखिएगा यहाँ पे चेंज होकर आपको दिखेगा, तो हमें तो ऐसे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, आपको जो भी अच्छा लगे रख लीजिएगा, तो हम ये वाला कलर रख लेते हैं, हमें सही लग रहा है ये वाला कलर, ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी सही लगे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको क्या करना है, चैनल रैंप पे क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करना है यहाँ पे प्रोसीजर में क्लिक कर लीजिएगा, सिंपल स्टार फील्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल स्टार फील्ड को ओपन कीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में अगर एक की लगा लीजिएगा, इसके लास्ट में जाइएगा और यहाँ पे भी एक की लगाइए, की लगाने के बाद एक्स को आपको 500 तक कर देना है, ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो इसे हम रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, मिला जो तू यहाँ था तो वाई मैंने कर दिया, इसे चेंज करते हैं, कभी कभी लिरिक्स टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसे इग्नोर किया कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब इसी तरह से पूरा लिरिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर टाइप करके यहाँ पे एक्स वर्ड पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।